A very good morning to all of you so today we are going to start our new chapter which is chapter number four working with slides in powerpoint in this chapter we are going to study about how to working with slides in powerpoint powerpoint in which we uh, create presentations or we uh, make presentations सो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स बट देर आर मेनी अदर फीचर्स यूजिंग विच यू कैन एनचांस द अपीयरस अपीरियंस ऑफ योर स्लाइड एंड ऑर्गेनाइज दैम ओके सो नंबर वन है स्लाइड ले आउट सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मे गोइन टू स्टडी अबाउट द हाउ टू वर्क विथ स्लाइड कैसे हम स्लाइड के साथ काम करते हैं इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन को बनाते हैं बिल्ट इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके अब इन दिस चैप्टर वी आर गोइंट टू स्टडी अबाउट some more with slides slide layout so what uh, what is a slide layout every slide has its own layout called slide layout or slide a layout hota hai, which is called slide layout layout uh, refers to, uh, to the way the things uh, organized on slide in other words it is arrangement of all items like text graphics table chart etc that make up a slide. हर स्लाइड का एक क्या होता है लेआउट होता है जिसको हम स्लाइड लेआउट कहते हैं लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये उन चीज़ों को रेफ़र करता है द थिंग्स जो कि ऑर्गेनाइज़ होती हैं एक स्लाइड पे अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं एक अरेंजमेंट होता है कुछ आइटम्स का कौन कौन सा आइटम्स होते हैं जैसे कि टेक्स है ग्राफिक्स है टेबल चार्ट है एक्सेट्रा दैट मेकअप स्लाइड जो एक स्लाइड को बनाता है ईच टाइम मैं नूसर्ट न्यू स्लाइड यू हैव टू चूज अ लेआउट दैट मैच इज योर रिक्वायरमेंट ईच टाइम यानी कि हर वक्त जब भी मतलब आप इंसर्ट करते हैं एक नए स्लाइड को तो आपको क्या चूज करना होता है एक लेआउट को जो कि आपके रिक्वायरमेंट को मैच करता है ओके सो फॉर चेंजिंग लेआउट यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स लाइक स्टेप नंबर वन टू थ्री फो देर टोटल फोर स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो फॉर चेंजिंग लेआउट लाइक चूज द स्लाइड जस्ट लुक एट द पिक्चर आई होप यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली चूज द स्लाइड आउट यू वॉन्ट टू चेंज योर प्रेजेंटेशन सबसे पहले आपको क्या चूज करना होगा स्लाइड टू चूज करना होगा जिसको आपको चेंज करना है अपने प्रेजेंटेशन में जिसका ले लेआउट आपको बदलना है आपके प्रेजेंटेशन में ओके स्टेप नंबर टू क्लिक ऑन लेआउट बटन इन द स्लाइड ग्रूप ऑन द होम टैब होम टैब पे आपको क्या क्लिक करना है ले बटन पर अपने स्लाइड ग्रुप में स्टेप नंबर थ्री अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपियर ऑन द स्क्रीन द ड्रॉप डाउन लिस्ट विद वेरियस पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगा जिसको कि हम क्या कहते हैं ले आउट ड्रॉप डाउन लिस्ट वेरियस ले आउट्स नंबर फोर सेलेक्ट द ले आउट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर स्लाइड फिर आप क्या करोगे सेलेक्ट द ले आउट लेआउट को सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग और उसके बाद हम क्या करेंगे ऑब्जर्व द चेंज इन योर स्लाइड उस चेंज को ऑब्जर्व करेंगे यानी देखेंगे पाएंगे उस चेंज को ठीक है सी द पिक्चर यर्स टाइटल स्लाइड टाइटल एंड कंटेंट सेक्शन कंटेंट कंपेरिजन टाइटल ओनली ब्लैंक ऑल दिस ओके नाउ चेंज इन कलर स्कीम कलर स्कीम कैसे हम चेंज करेंगे कलर स्कीम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स यूज इन द डिज़ाइन ऑफ द स्लाइड वे कैन चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कंप्लीट प्रेजेंटेशन और अंगल स्लाइड हेयर अ कलर स्कीम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर कलर स्कीम क्या होता है बहुत सारे कलर्स से बना है. Uh, consists होता है कंसिस्ट होता है यूज इन द डिजाइन ऑफ द स्लाइड जिसको कि हम स्लाइड के डिज़ाइन यूज़ करते हैं वे कैन चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कम्प्लीट प्रजेंटेशन Haan, pure presentation ka color scheme we change color scheme to apply color scheme uh, to the slide follow the given steps here are some steps which you have to follow for changing color scheme like step number one open your presentation and choose a slide whose uh, color scheme you want to change then move the mouse over a theme and theme group on design tab then select the desired uh, theme the theme

There are some steps you have to follow for changing background. Next up, we have is applying shade, pattern, texture, picture to background. For this, also you have to follow the steps like click on background style button present in the background group on design tab. A list of options will be displayed. Click on format background option. The format background dialog box will appear on the screen. Click the required uh, radio button amongst gradient, fill, solid, fill, picture, or texture fill. Select the various options according to your choice and click on apply to all button. Choose the format background dialog button. So, like this, you can change all uh, the given topics, all the given. informations for changing any uh, thing in your uh, presentation you have to follow the given steps so that's all for today i hope you can understand all this easily thank you so much